सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी? कैसे चल रही है आपकी गेमिंग? सो मेरे पास आ चुका है ओप्पो फाइन एक्स 5 प्रो 5G और हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे फ्री फायर गेम प्ले टेस्ट। सो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं वीडियो में क्या है खास। उससे पहले अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करके अपने दोस्तों में जाके शेयर कर दो। चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं वीडियो में कैसे क्या खास होने वाले गाइस। सो गाइस, मेरे हैंड में आ चुका है ओप्पो फाइंड एक्स 5 प्रो 5G का डब्बा। एंड गाइस, यहाँ पे आपको 12/256 GB वाला वेरिएंट है। एंड गाइस, पीछे में कुछ हाईलाइट देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे हर्सल ब्लैड लोगो। चलिए फटाफट करके ऑन कर लेते। ऑन करते ही गाइस, फर्स्ट में एक छोटा सा डब्बे में होता है क्या, एक सेमी इजेक्टर टूल और थोड़ी सी गाइडलाइंस पेपर एंड बहुत सारी पुस्तकें जिसको बोल लेते गाइस। तो इतना नहीं पढ़ सकते हैं तो इस सब को भी रख देंगे साइड में, क्योंकि गाइस इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। एक सिल्की सा केस कवर रखते हैं साइड में। नेक्स्ट आते हैं डिवाइस भी काफ़ी बढ़िया रखते हैं साइड में। नेक्स्ट यहाँ पे गाइस आपको 80 वोल्ट का सुपर वुक चार्जर देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, यहाँ पे 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे आपको एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट इसको भी रखते हैं, डिवाइस को काफ़ी तगड़ी है, रैपिड से अलग करते हैं। ओ माई गॉड, क्रीमी वाइट है गाइस, काफ़ी बढ़िया है। मॉड्यूल कैमरा सेटअप काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन ही काफ़ी खूबसूरत है गाइस, काफ़ी अलग डिज़ाइन है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड गाइस, डुअल नैनो सिम कार्ड का सपोर्टेबल देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, मैंने फ़ोन को पहले ही सेटअप कर लिया था। एंड गाइस, फटाफट आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या सा फीचर्स रहने वाली है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको फटाफट करके अनलॉक करेंगे। ओ माय गॉड, मतलब इसकी टच रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ी, काफ़ी फास्ट है। एंड गाइस, अगर हम डिस्प्ले की बात कर ले तो यहाँ पे गाइस आपको 6.7 इंचेस का LPTO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। HDR10 का सपोर्ट रेट देखने को मिल जाता है। 1300 पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी तगड़ी है। एंड गाइस, एंड्रॉयड 12 पे आपको बेस्ट ऑलरेडी मिलता है। एंड गाइस, अगर इसकी कैमरे की बात कर ले गाइस तो आपको कैमरे में गाइस 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। एंड गाइस, कैमरे में अलग से आपको मारिस सिलिकॉन एक्स का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि इमेजिनेशंस के लिए NPU को यूज़ किया है, जो गाइस न्यूरो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, काफ़ी तगड़ी इमेज क्लिक करके देने वाला है, काफ़ी बढ़िया है। एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट में आपको 32 MP कैमरा देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया फीचर है। चलिए एक गेम प्ले भी स्टार्ट करके देख लेते हैं इस गेम प्ले कैसा चलता है इस फ़ोन में। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट लॉबी के अंदर और सबसे पहले हम आपको सेंसिटिविटी और ग्राफिक सेटिंग में लेके जाएंगे और दिखाएंगे इसकी कैसे इस फ़ोन के अंदर कैसा गेम प्ले रन करने वाला है, कैसा सपोर्ट होने वाला है। तो चलिए फटाफट करके हम सेंसिटिविटी में जाएंगे। सेंसिटिविटी को बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ते हैं, वैसे हम जनरल को 92 कर लेते गाइस क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। एंड गाइस, कर लिए। डिस्प्ले की ओर आते हैं, डिस्प्ले में गाइस स्मूथ है तो यहाँ हम अल्ट्रा मैक्स कर देते गाइस, जो भी हो काफ़ी तगड़ा। एंड गाइस, यहाँ पे हाई रेस को भी एंड शैडो को भी ऑन कर ही लेते हैं। एंड ऑसन पे सेट कर दिए हैं गाइस और नीचे की साइड पे गाइस इसको भी तो हाई FPS को ऑन करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पता है कि बैटरी यूजेज ज़्यादा होता है, फ्लेम ड्रॉप ज़्यादा होता है, फिर भी इतनी खतरनाक फ़ोन है तो गाइस करना तो पड़ता है। तो चलिए ओके कर दिए हैं, सेटअप हो चुका है मेरे फ़ोन का, मेरे गेम सेटिंग्स पूरा एकदम अच्छे से कर लिए। चलिए गेम प्ले सेलेक्ट करते हैं गाइस, जो कि रैंक गेम खेलेंगे क्योंकि बहुत सारा क्लैश स्क्वाड खेल लिए तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और गाइस, सोलो वर्सेस स्क्वाड सेलेक्ट करेंगे, ठीक ना, हम सिंगल रहेंगे, अपना चार को देखते हैं गाइस कैसा गेम प्ले होता है। तो सोलो वर्सेस स्क्वाड को भी कर लिया है, ऑटो मैच को ऑफ कर दिए और यहाँ पर गाइस स्टार्ट भी कर दिए। चलिए स्टार्ट हो गया हमारा गेम प्ले, काफ़ी मज़ा आने वाला है, वीडियो में काफ़ी बने रहो गाइस, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। तो यहाँ पर गाइस अभी जस्टिन बेवर का आने वाला है करेक्टर, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस, जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाओ भाई, उस पर दिखाएंगे गाइस गेम प्ले हमारे फ़ोन में कैसा गेम प्ले चलता है इस फ़ोन के अंदर। एंड गाइस, इसकी प्राइस क्या होने वाली है सारा कुछ बातें करेंगे। एंड गाइस, इसके और भी फीचर्स की बात कर लेंगे गाइस कि कैसे क्या होने वाला है। इन पर IP68 का जो वाटर ड्रॉप मिलता है गाइस काफ़ी तगड़ी, वो मतलब क्या ही बोले। तो गाइस, यहाँ पे हमारा गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है, एरोप्लेन से लैंड करेंगे क्योंकि गाइस स्टार्टिंग से फटाफट करके आ चुका है। तो गाइस, ग्राफिक्स तो काफ़ी तगड़ी लग रही है, ग्राफिक्स में नो डाउट कि यार कैसा है चलेगा नहीं, काफ़ी तगड़ी है। एंड मैंने गाइस यहाँ से लैंड कर लिया
और अभी स्किड्स वॉर्ड से गाइस देखते हैं किधर लैंड होते हैं गाइस, और लैंड होते हैं तो गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला है। वैसे तो मेरे को लगता है गाइस बहुत सारा बंदे उतरेंगे, और जिधर ही बंदे उतरेंगे गाइस उधर ही हम उतरेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि गेम को पूरा लंबा नहीं करेंगे। तो गाइस स्केटबोर्ड मेरा उड़ गया कहीं ना कहीं, और यहाँ पर गाइस हम पैराशूट से फटाफट एकदम स्मूथ लैंड कर रहे गाइस, काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स, काफ़ी मस्त है गाइस, नो लैगिंग्स, नो हेडिंग्स, नो इशूज, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे भाग के जाएंगे, थोड़ी सा लूट वूट करेंगे गाइस। लूट मैंने कर लिया, एक बंदा, ओ माय गॉड, थोड़ी सी ग्लोबल, चलो हेड शॉट के साथ बंदे खत्म, मतलब एक बंदे डाउन हो गए, दो तीन और दिख रहे, ओ भाई इधर भी डाउन, मतलब कमाल का यार, उतरते ही एकदम मस्त मिल जाते हैं ना भाई बंदे, तो क्या ही बताए, काफ़ी मज़ा आ जाता है। वैसे दो तीन किल तो हो गया। वैसे गाइस अगर इस फोन की बात कर ले, मतलब इसकी कलर, दो कलर आने वाले हैं, क्योंकि एक डैसल ब्लैक है गाइस और एक केमी वाइट, मैंने तो दिखाई दिया काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर गाइस कैमरे फीचर्स की बात कर ले तो आप लाइक जैसे कि नाइट में फोटो वीडियो शूट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी तस्वीर, काफ़ी अच्छी फोटो कर सकते हो गाइस। एंड गाइस अगर इस फ़ोन के फीचर्स की बात कर ले तो आपको LPDDR5 का रैम देखने को मिल जाता है, जो लो पावर डबल डाटा रेड टाइप का रैम दिया जाता है, जो काफ़ी अच्छी है। एंड गाइस हाईलाइट फीचर्स की बात कर ले, इसमें तो फीचर्स बहुत ही ज़्यादा है स्टेबलाइजेशन का, जैसे कि आप जैसे कोई भी वीडियो शूट कर रहे हो, लाइक जैसे आपका कोई फोकस है तो उस फोकस को आपको 360 डिग्रीज में आपको कहीं भी नहीं भटकने देगा। लाइक जैसे आप किसी भी चीज़ को फोकस करके वीडियो शूट कर रहे हो तो एकदम वही आपको आएगा, आप कैसे भी मूवमेंट कर लो, फ़ोन को कैसे भी घुमा लो, या फिर आपका हल्का भी मतलब इधर उधर फ़ोन होता है, फिर भी आपको एकदम अच्छे से क्लियरली वीडियो शूट होगा। लाइक जैसे क्योंकि उस चीज़ को वो फोकस कर लेता है, स्टेबलाइजेशन काफ़ी तगड़ी फीचर्स के साथ फ़ोन के अंदर आया है, तो काफ़ी बढ़िया है। एंड गाइस इसमें तो अभी तक तो गेम ऐसा नहीं लगा कि लैग कर रहा है या फिर रीड कर रहा है फिर अटक रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप हमको जरूर बताना गाइस, आपको दिख रहा है अगर मतलब कि लैग अगर कर रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो गाइस कि हाँ यहाँ लैग कर रहा है, अटक रहा है। तो गाइस काफ़ी मस्त है, काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस आ रही है, काफ़ी अच्छा गेम चल रहा है, एंड गेम प्ले काफ़ी बढ़िया हो रहा है गाइस। तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, काफ़ी तगड़ा हल्का सा टच में आपको एक अच्छा सा गेम प्ले मिल जाता है। एंड गाइस आप इस फ़ोन की क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना है कि इस फ़ोन का प्राइस क्या रहने वाला है। मेरे हिसाब से तो गाइस अगर मैं बताऊँ तो 70 या फिर 80 के आसपास रहने वाला है, क्योंकि गाइस काफ़ी तगड़ी डिवाइस है। एंड गाइस ये सब ये डिवाइस गाइस आपको इंडिया में अवेलेबल भी बहुत कम ही देखने को मिलेगा। वैसे देखते गाइस कि इंडिया में कब तक आ जाती है, वैसे जब तक भी आएगा इस फर्क नहीं पड़ता। वैसे काफ़ी तगड़ी मॉडल है, काफ़ी अच्छी मॉडल है। वैसे इस मॉडल के आसपास बहुत सारे मॉडल है, लाइक जैसे कोई भी अगर आप जैसे कोई भी बजट है आपका, तो उस बजट में आपको एक अच्छा स्मार्टफोन जरूर मिल जाता है। तो गाइस डिपेंड पड़ता है कि आपके ऊपर कि आप कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहते हो। मेरा फेवरेट ब्रांड गाइस आपको मैं बता दूँ तो मेरा फेवरेट ब्रांड MI है। एंड गाइस आपकी कौन सी ब्रांड है तो आप काफ़ी बढ़िया सा है गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है, गेम प्ले काफ़ी अच्छी स्मूथ एकदम क्लियरली गेम प्ले चल रहा है। वैसे गाइस गेम प्ले बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि गाइस एक्चुअली मैंने ये मैसेज पर इसलिए चल रहा था कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है। एंड गाइस ये हो या फिर नहीं हो इसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग गेम प्ले टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो गाइस बस टेस्ट करते हैं गेम प्ले कैसा चलता है हमारे फ़ोन के अंदर, और इस फोन के अंदर गेम प्ले तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, काफ़ी अच्छी एकदम स्मूथ है, काफ़ी लैग नहीं कर रहा, काफ़ी अच्छी हल्की सी टच सैम्पलिंग रेट में काफ़ी फास्ट, मतलब हल्का टच करो तो मतलब गोली तो ऐसे फायर की तरह निकलता है गाइस, काफ़ी मज़ा आता है। वैसे हमारा गेम प्ले गाइस हम यहीं पे एंड करते हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबा गेम हो जाता है, वैसे काफ़ी मज़ा आया गेम प्ले करके और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइस। अगर इस फ़ोन के लिए या इस फ़ोन के फीचर्स के लिए कोई भी ओपिनियन है गाइस तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना है, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी है वैसे। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी हम प्रिपरली देख रहे गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो भी होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो गाइस अभी के लिए आप इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब के ऊपर उड़ जाओ, फाड़ दो यार कुछ।